अगर आप लोग अपने दिल से सही कहा था यार, मेरे लिए अगर हम बहुत देख लेते ऐसा कहा के चाहिए, अगर बहुरिया का साथ से मेरे सरदार से मेरे लाभ से इतना मारा तो गाली नहीं। और ये आ गए बंसीलाल मुर्गा वाले रसूलपुर मुर्गा कमाई आज सब सास के ऊपर जाए, लेकिन ये तुम्हारे खिलाफ है। ये आए कहा कि सास का जो ने हुलो इनका से उड़ा है मुर्गा बेचे कहा कि नहीं पर ये बात कर रहे थे। हां सावित्री तुम्हारे कहा के था, मैंने बता दिया कि तुझे सोचिया के बाद दीदी ऐसे ना बता दिया मां मारे मारे पागल हो गई हो? अरे बहू पे इस तरह जुर्म कर रही हो, जरा भी शर्म हया नहीं है तुम्हारे अंदर? मैं जो कुछ कर रही तेरे अच्छाई के लिए कर रही आचा। माँ ऐसा हरकत नहीं हो सकता है कि मेरे रहते हुए तुम बहू पे जुर्म नहीं कर सकती हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चल जाओ यहाँ से। चिल्ला नहीं, एक जवान खींचकर हाथ नहीं दे दूंगा। लूट ले गया तो भैया पेटे में से छह बार के चार के दिन आज खा कर ले चली जा, नहीं तो जुबान खींच के हाथ नहीं पेटे। उसी दिनों का सोच रहा नहीं जानती हो, और जिस तरह तुम बहु पे जुम कर रही हो, अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो एक हाथ उखार कर तुसे हाथ पे रख देता। हे भगवान, मैं इन दिन चमक पाओगा है मेरे की पत्तम ओपनिया लगा दिखा वह घर भरे उसी भाज है और मैं चक्कर रहा हूँ भाई जान दाद दिया भी यार ना छिड़ी यार कुछ कुआ होता है कि हम लगा दिखा सुन गया है क्या पता कि बिटिया रात कर प्यार करे रात खाना पहन के भाई प्यार तो क्या खाना पहन लोगे जन्म कर रही है। बहु उठी उठी, घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। उठी एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, शर्मनिया भी पूरा किया है। देखिए ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलती को माफ कर दो। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे सामने आ गए। पिया देखिए जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ, और अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा। प्रिया एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और तुम हमारी बात को बुरा ना मानो, तो उस बात को तुमसे कहूँ मुर्गा वाले 20 रुपया इनाम दिए हैं,
उनका कहना है कि भैया गलत काम तुम न करो यार, तुम्हारा तारी ठीक है लेकिन तुम ना करो, चाहे एक किलो मुर्गा लेंगे इससे तुम दिखते हो मैंने बोलता हूँ तरफ से प्रिया कहने मैं यही चाहता हूँ यार, तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है, अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी दो टुकड़ा नहीं होगा, सारी दौलत सब कुछ तुम्हारी आंचल में हो। मेरी बात तो नहीं समझी हो तो सुनिए मेरी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। सारी दौलत तेरी आंचल में डाल दूंगा, कभी तुझे कम नहीं होगा। तुझे शर्म नहीं है ऐसी बातें करते हुए? इस बात का शर्म कर रही? अरे मैं तेरी बहू नहीं, तेरी बेटी जैसी हूँ मैं। अरे तुझे नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, कीड़े पड़ जाएंगे तेरे जिस्म में। अपनी बहू जैसे बेटी पर ही बड़ा अन्याय करने जा रहे हो। मुझे चली भेजिए, मैं चली जाऊंगी अकेले, मुझे भी नहीं जाऊंगी। प्रिया मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुझे छोड़ दूंगा और तेरे बाप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अपने दिल के अरमान पूर करने के बाद। तो तुम मेरे चुल्लू भर पानी में ऐसी बातें करते हुए कोई मना है कि मैं ही मर जाऊंगा? तेरी जवानी का रस किस तरह चुपता है, अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले फिर नगराजी के पैसे से। जाएगी कहां तो तू, आज अगर तू मेरे पंजे से बच सकती है। दोस्तों नमस्कार, मुमताज अली भटनोसा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भटनोसा चैनल के नाम से प्रचलित है, चल रहा है। दोस्तों अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके तमाम दोस्तों को पता चल सके कि भटनोसा नौटंकी जनाब मोहम्मद इदरीस भाई की पार्टी का प्रोग्राम कहाँ पर है और कहाँ पे अगले दिन होना है, ये सारी जानकारियाँ आपको मिल सकें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेकंड चैनल देखना हो तो आप यूट्यूब के माइक पर जा करके मुमताज अली भटनोसा चैनल बोलिए, हमारा चैनल खुल जाएगा और हमारे सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों तो अब हम अपने इस चैनल पे प्रोग्राम की जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों दिनांक 9 फरवरी दिन गुरुवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ।
दिनांक 9 फरवरी दिन गुरुवार सन 2023 का जो हमारा प्रोग्राम है ये जिला अमेठी में होना है, गांव जगतपुर में। अमेठी ज़िले के अंदर एक गांव है जगतपुर, जगतपुर में होगा। गांव जगतपुर है, पोस्ट जगतपुर है, तहसील तिलोई है और थाना शिवरतनगंज है, ब्लॉक सिंहपुर है और अमेठी ज़िला है। यहीं पे हमारा प्रोग्राम होना है। तो दोस्तों, हमारे घरवाली ख्याल राजू मास्टर यादव जी हैं, उन्हीं के यहाँ हमारा प्रोग्राम होगा जगतपुर के जगतपुर गांव में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम देखना हो तो हम आपको नंबर दे रहे हैं और ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ताकि अगर आप रास्ता भटक रहे हैं, आपको कोई परेशानी हो रही है तो इसी नंबर पे फ़ोन करके आप जानकारी कर सकते हैं और प्रोग्राम तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो आइए, हम नंबर दे बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, 7235-94-02-31, मतलब 7235-94-02-31 ये नंबर है, नोट कर लीजिए। अब हम आपको एक दूसरा नंबर देंगे, हो सकता है ये नंबर रिसीव ना हो सके, तो 97-92-11-04-66, मतलब 9792-1-0-4-6-6, ये दोनों नंबर हैं घर मालिक के, और इन नंबरों को नोट कर लीजिए। आप आराम से हमारे प्रोग्राम के लिए चले, अगर आप कहीं रास्ता भटक रहे हैं तो इसी नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं, रास्ते की जानकारी कर सकते हैं और आराम से हमारे प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा 9 फरवरी दिन गुरुवार सन 2023 के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि भटनौसा कंपनी का प्रोग्राम कहीं और नहीं बल्कि अमेठी ज़िले के अंदर जगतपुर गांव में होगा, जो कि शेमरौता से भुलैया का पुरवा के पास जगतपुर है गांव, और पोस्ट जगतपुर है, तहसील तिलोई है, थाना शिवरतनगंज है, ब्लॉक सिंहपुर है और ज़िला अमेठी है। आपके दोस्त भी आपके द्वारा हमारे कार्यक्रम को देख सकेंगे और साथ ही बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि हम इसी तरह अपने चैनल पे मुमताज अली भटनौसा चैनल पे जो भी प्रोग्राम डालें, जो भी वीडियो डालें, वो सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहे। आप शब्दों को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।